बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको हम डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसके डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन से इसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर हम फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे। फिर हम इसका ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड इन ग्रुप्स एंड इन पीरियड्स पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। ये वीडियो देखने के बाद आपको ना सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बल्कि आपको मैं ये यहाँ पर याद करा के जाऊँगा आसान अल्फाज में, बड़े खूबसूरत अल्फाज में। तो शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम डिफिनेशन करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास किसी एटम की वो एबिलिटी, वो सलाहियत होती है जिससे वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली द पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन एटम टुवर्ड्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं ई एन से, ई फॉर इलेक्ट्रो, एन फॉर नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम ई एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं तो देखिए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एग्जांपल है। ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक क्लोरीन का। इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। फिर इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन अपनी तरफ खींच रहा है, जबकि ये क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो एटम इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से इस नेगेटिव, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के करीब होने की वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जबकि इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसको इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम व्हेन दे आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम एटम्स की तब स्टडी करते हैं जब वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में लेट सपोज हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है, क्लोर एंड कोवेलेंट बॉन्ड, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय बोथ द बॉन्डेड एटम्स। अब कोवेलेंट बॉन्ड में ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसे दोनों बॉन्डेड एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों बॉन्डेड एटम इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब जो एटम इसको अपनी तरफ ज़्यादा, जिसकी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसने ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है। और इससे ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर होने की वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन पर। अच्छा, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज एक रस्सी है, इसे दो बंदे खींच रहे हैं। मैं भी इसे 110 न्यूटन फोर्स से लेट सपोज खींच रहा हूं, और वो दूसरा बंदा भी उसे 10 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है, तो दोनों का फोर्स सेम है, तो ना रस्सी आगे जाएगी ना रस्सी पीछे जाएगी। अच्छा देखें, यहां पर देखिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों सेम बंदे हैं। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों सेम हैं। अब ये हाइड्रोजन जितना फोर्स लगा रहा है उतना फोर्स ये हाइड्रोजन भी लगा रहा है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल दरमियान में होते हैं, क्योंकि ना इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है ना इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दरमियान में होते हैं। और इन दोनों एटम्स पर, इस कोवेलेंट बॉन्ड पर कोई पोल्स नहीं बनते, ना इस पर पॉजिटिव पोल बनता है ना इस पर नेगेटिव पोल बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दरमियान में है। अच्छा, अब मैं रस्सी का मुकाबला करूँ, अब मैं कमज़ोर सा इंसान हूँ और
ऊपर थे, उधर आपने ताकतवर सा इंसान को बैठा दिया। अब मैं भी रस्सी खींचूंगा और वो ताकतवर बंदा भी रस्सी खींचेगा, तो अगर वो रस्सी खींचेगा तो वो रस्सी अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा ना, क्योंकि उसमें ताकत ज्यादा है। बिल्कुल इसी तरह देखिए, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन ताकतवर एटम है और ये हाइड्रोजन मैं बेचारा हूं, कमजोर हूं, सही है। तो इस क्लोरीन का फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस क्लोरीन की ज्यादा है। इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस पर के करीब आ गए, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जब इसके करीब आ गए तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया और ये इलेक्ट्रॉन इससे दूर चले गए। इस मैंने अपना, मैं बेचारे ने अपना इलेक्ट्रॉन भी खो दिया, तो मतलब खो नहीं दिया, थोड़ा दूर चला गया मुझसे, तो मुझ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, सही है। तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये क्लोरीन नेगेटिव चार्ज हो गया, तो अभी इसमें क्या बन रहे हैं, पोल्स बन रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर एटम्स दोनों सेम हो तो हमारे पास क्या होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। अगर एटम्स डिफरेंट हो तो हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब आपको समझ बात की समझ आ गई आपको कि पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास क्यों बनते हैं। ये असल में इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कमबख्त की वजह से बनते हैं, सही है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम किसने डिटरमाइन की थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वॉज डिटरमाइंड बाय ए साइंटिस्ट नेम्ड पॉलिंग। पॉलिंग ने फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन की थी। फॉर दिस पर्पज ही डिटरमाइंड अ स्केल, उसने एक स्केल बनाया फ्रॉम द बॉन्ड एनर्जी ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के बॉन्ड एनर्जी से उसने स्केल बनाया। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। लेट सपोज ये HCl है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है बॉन्ड एनर्जी। और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, डाई कहते हैं टू को, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसमें टू एटम्स हो। ये हाइड्रोजन क्लोराइड HCl हमारे पास क्या है, ये है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्यों ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें दो एटम्स हैं। अच्छा, अब इस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को के इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो हमारे पास होगी बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी इज बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी जितना बॉन्ड इन जिसकी एटम की बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। असल में ये इस पे इतना डीप नहीं जाते, ये अलग ही टॉपिक है, तो इसको फिर आगे कभी कर लेंगे, लेकिन सिर्फ आप इतना याद कर लो कि बॉन्ड एनर्जी उसे कहते उस एनर्जी को कहते हैं जो किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो उसने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बॉन्ड एनर्जी से एक स्केल बनाया। इस स्केल पर इसने फ्लोरीन को 4.0 की वैल्यू दी और ये फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इस स्केल में। फ्लोरीन सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पीरियोडिक टेबल में और इस स्केल के मुताबिक, सही है। अच्छा, आई होप आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की समझ आई गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, सही है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब वो फैक्टर्स पढ़ते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियस चार्ज। तो भैया न्यूक्लियस चार्ज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डायरेक्ट इफेक्ट है, सही है। देखो, जितना न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा होगा उतने बंदे में ताकत ज़्यादा होगी, जितना बंदे में ताकत ज़्यादा होगी उतना वो मजबूती से खींचेगा, सही है। तो देखिए, न्यूक्लियस चार्ज, क्लोरीन का न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, सही है। तो जितना न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अच्छा, एटॉमिक साइज, अगर हमारे पास एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास एटॉमिक साइज ज़्यादा है इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस चार्ज
कम है, न्यूक्लियस चार्ज कम होने की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट अगर हमारे पास ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कम होगी, जाहिर सी बात है। अगर शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस का चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होगा, अगर न्यूक्लियस का चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाहिर सी बात है कम होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, फोर्थ है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। वो एटम्स जो स्टेबल होते हैं, जिसके कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हों या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हों, तो वो एटम जो स्टेबल होते हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन स्टेबल होती है, तो उन एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लो होती है, क्योंकि बेसिकली उन्हें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती नहीं, तो वो इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्यों अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो जो एटम स्टेबल होते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लो होती है। अच्छा, अब आते हैं ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, ट्रेंड इन ग्रुप्स पढ़ेंगे एंड ट्रेंड इन पीरियड्स पढ़ेंगे। देखिए, पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ग्रुप्स में पढ़ लेते हैं। जब हम टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इसकी वजह क्या है? जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास इंक्रीज हो रहे होते हैं। देखें, हाइड्रोजन में एक शेल है, लिथियम में दो शेल हैं, सोडियम में तीन शेल हैं, पोटाशियम में फोर शेल्स हैं। इस तरह जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रही है और न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर जितनी हमारे पास शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगी और न्यूक्लियस चार्ज भी इंक्रीज डिक्रीज होगा, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। अच्छा, जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगी, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा और न्यूक्लियस चार्ज डिक्रीज होगा, तो हमारे पास जाहिर सी बात है जब न्यूक्लियस चार्ज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी। सही है। अच्छा, अब आते हैं ट्रेंड इन पीरियड। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास इंक्रीज होती है। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इसकी वजह यह है कि जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स तो हमारे पास सेम रहते हैं ना, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स द सेम। देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनमें क्या है? इनमें नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है ना, लेकिन इनमें न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। जब हम पीरियड्स में जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास सेम रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है। जब हमारे पास न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जाहिर सी बात है न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इंक्रीज होगी। सही है। तो ये था हमारे आज का टॉपिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस डिस्कशन से हमें यह पता चला कि पीरियोडिक टेबल में जो अपर राइट साइड पर एलिमेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। आई होप आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की समझ आ गई होगी। अभी भी नहीं आई तो खुलासा कर लेता हूं, अब इसे गौर से सुन ले, अब समझ आ जाएगी। अभी भी नहीं आई तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ ले। सही है। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सबसे पहले हमने डिफिनेशन की कि इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवलेंट बॉन्ड। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन towards itself in a covalent bond is called electronegativity. It is represented by En. Electronegativity is the ability of an atom when they are covalently bonded. In covalent bond, the shared pair of electron is attracted by both the bonded atoms. If the bonded atoms are same, then the bond will be non-polar. If the bonded atoms are different, then the bond will be polar. ये मैंने आपको इसकी डिटेल से एक्सप्लेनेशन दे दी। अच्छा, for the first time, it was determined by Pauling. For this purpose, he developed a scale from the bond energy of diatomic molecule. इसके स्केल पर इसने फ्लोरीन को 4.0 की वैल्यू दी। जब जो ये फ्लोरीन है ना, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर हमने पढ़े।
हमने पढ़ा न्यूक्लियस चार्ज, जितना न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जितना एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जितनी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, वो एटम जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन स्टेबल हो तो इसका उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास लो होगी, इसको भी मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, अच्छा जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं पीरियोडिक टेबल में तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इसकी वजह ये होती है कि हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, न्यूक्लियस शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रही होती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा होता है, न्यूक्लियस चार्ज डिक्रीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही होती है। पीरियोडिक टेबल में जब हम पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास इंक्रीज होती है, इसकी वजह यह है कि जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास सेम रहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद सक्सेसिवली बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से हमारे पास न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा होता है, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ेगी। बस इतना ही था आज का टॉपिक, और जाने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोग चैनल को सब्सक्राइब किया करते हैं फिर बेल आइकन दबा देते हैं तो इनको नोटिफिकेशन भी आ जाती है, और ऐसे लोग काफ़ी अच्छे लोग होते हैं जो मतलब सब्सक्राइब करते हैं फिर नोटिफिकेशन का भी इंतज़ार करते हैं, और इस तरह के लोगों के लिए ना हम ये वीडियोज़ बनाते हैं, तो आप भी उसी तरह बने। और हाँ, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दिलों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।